हेलो एवरीवन, टू वेलकम एजुकेशनल कीड़ा चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए शॉर्ट हैंड डिक्टेशन उच्च गति अभ्यास 2 प्रतिलेखन संख्या 4 का डिक्टेशन 85 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से लाया हूँ। डिक्टेशन स्टार्ट होने में शेष हैं 20 सेकेंड। रेडी स्टार्ट। महोदय, कोसी नदी जिसे शोक और दुख का सूचक माना जाता है, इस वर्ष फिर अपने प्रकोप से महान हानि का कारण बनी। अब इस नदी पर काबू पाने और इसकी उपद्रवी लीला समाप्त करने के लिए भी योजना तैयार हो गई है। इस योजना की रूपरेखा तैयार हो चुकी है और निर्माण का काम हाथ में लिया जा चुका है। आशा है इस योजना के निर्माण से बड़े पैमाने पर जनसाधारण को सेवाएं उपलब्ध होंगी। जब यह नया परीक्षण सफल होगा तो महान योजनाओं के निर्माण में और भारत की महान जनशक्ति के उपयोग के संबंध में हमारी जानकारी और अनुभव में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। औद्योगिकरण के क्षेत्र में उन्नति, उत्पादन में और अधिक वृद्धि और भारत की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि विचाराधीन वर्ष की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। औद्योगिकरण के साथ ही रोजगार के क्षेत्र को विस्तृत करने के प्रयत्न भी बराबर जारी हैं। कुटीर उद्योगों और घरेलू धंधों को प्रोत्साहन देकर औद्योगिकरण और रोजगार में समुचित संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। यह बात सभी स्वीकार करते हैं कि यदि भारत के जनसाधारण को उदासीनता और हार मानने की भावना से मुक्त करना है तो बढ़ती हुई बेरोजगारी को दूर करने का उपाय करना होगा। इस दिशा में घरेलू उद्योग धंधे बहुत से लोगों को आंशिक या पूर्ण उपयोगी काम देकर इस समस्या का बहुत कुछ समाधान कर सकते हैं। इसीलिए पंचवर्षीय योजनाओं में पुराने घरेलू उद्योगों को पुनर्जीवित करने और चालू कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने की व्यवस्था की जा रही है। विदेशी मामलों के क्षेत्र में हमारी सफलता और भी अधिक है। हमारी नीति, जिसे मैं सक्रिय और स्वदेश तटस्थता की नीति कहना चाहूँगा, वास्तविक व्यवहार में किसी भी देश अथवा यहाँ के लोगों को अपना शत्रु न समझने की नीति है। इस नीति के फलस्वरूप हमें विश्व शांति के पक्ष की कुछ सेवा करने का अवसर मिला है। हम प्रसन्न और आभारी हैं कि संसार के राष्ट्रों में भारत का स्थान इतना ऊंचा है। इंडोचीन निरीक्षण और नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय आयोग की अध्यक्षता हमने स्वेच्छा से स्वीकार की है और हमारे नागरिक यथासाध्य उस देश में शांतिपूर्ण निर्वाचन संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। हम सभी राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का निपटारा शांतिपूर्ण ढंग से चाहते हैं। मुझे
बहुत प्रसन्नता है कि भारत में फ्रांसीसी बस्तियों की समस्या शांति और सद्भावना के वातावरण में सुलझ सकी है। शांतिपूर्ण प्रणाली की सफलता का वह एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। दुर्भाग्य से भारत में पुर्तगाली बस्तियों की ऐसी ही समस्या को सुलझाने की दिशा में प्रगति नहीं की जा सकी। मैं आशा करता हूँ कि पुर्तगाल इन बस्तियों में रहने वाले लोगों के स्वाधीनता के अधिकार को स्वीकार करेगा और फ्रांस और ब्रिटेन की सरकारों का अनुसरण करेगा। जैसे ही यह वर्ष समाप्त हो रहा है, हम अपने सबसे निकट के पड़ोसी पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों में अपने सुखद परिवर्तन देखते हैं। पाकिस्तान के लिए हमारे हृदय में सदैव से पूर्ण सद्भावना और शुभकामनाएं हैं। महोदय, बच्चों को जो ज्ञान प्राप्त हो वह अनुभव से प्राप्त हो, ना कि केवल स्मरण शक्ति पर आश्रित रहकर रटाई द्वारा। स्टॉप। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।